अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक तो आज सारा दिन की सूरत हाल दोबारा से फ्रेश मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा आज सारा दिन पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटों में सोने का ट्रेंड क्या हो सकता है। दोस्तों आज सोना कितना ऊपर जा सकता है, सोना कितना नीचे आ सकता है, अगर आपने बाइंग की या फिर करने का इरादा रखते हैं वीडियो को आपने फिर भी पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बाइंग सेलिंग के मतलब। आपको ये भी बताएंगे अगर तो आज सोना नीचे जाता है या फिर सोना ऊपर जाता है किस न्यूज से, किस रीजन की वजह से जा सकता है, क्योंकि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से बल्कि मसलसल पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटें इनस्टेबिलिटी का शिकार है। मसलसल अप डाउन, सोना ना तो ऊपर जाने के मूड में ना नीचे आने के मूड में। इसके मतलब भी आपको इंशाल्लाह आगे जाकर इन्फॉर्मेशन देती हैं, वीडियो को आपने पूरा देखना है। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि आज इंटरनेशनल मार्केटों में कितनी न्यूज़, कितने डाटे हैं जो कि गोल्ड मार्केट की फेवर में आने से इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट 2000 प्लस कर सकती है। अगर 2000 प्लस करती है तो इसका पॉजिटिव असर पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटों में आ सकता है, आपको ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक लाजमी से करें। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी से वीडियो का आगाज करते हैं और आपको ये भी बता दूँ कि इंटर बैंक के मतलब भी आपको इंशाल्लाह प्रेडिक्शन और पेशनगोई की जाएगी। अगर दोस्तों आगाज़ करें इंटरनेशनल मार्केटों को, तो मैं आपको वीकली गोल्ड प्रिडिक्शन में आपको कम्प्लीटली बता तो चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वीडियो को लाजमी से वॉच कीजिएगा। लेकिन आपको दोबारा से याद करवाते हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केटों में इंतहाई अहम डाटे हैं, लेकिन दो हैं, लेकिन ये दोनों डाटे जो है ना इंतहा से ज़्यादा अहम है। और ये दोनों डाटे अगर आपकी फ़र्ज़ करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटें 1985 पे है, 1990 पे है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट को 2005 पे या 2010 तक ले जाने के फेवर में आ सकते हैं अगर गोल्ड की फेवर में ये डाटे आते हैं। तो अगर ये गोल्ड की फेवर में नहीं आते तो यही गोल्ड मार्केट जो है ना ये 1970 और 1965 के टारगेट को भी छू सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक तज्जिया और एक प्रेडिक्शन की जाती है, ज़रूरी नहीं कि ये 100% हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट चलती है इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से, जिससे आपकी इंटरनेशनल मार्केट किसी भी वक्त ऊपर भी और किसी भी वक्त नीचे आने के फेवर में आ सकती है। तो इसलिए एक इंटरनेशनल मार्केट की पेशेनगोई की गई है। अच्छा जी, अब ज़रा बढ़ते हैं पाकिस्तान में सोने के रेट्स की जानब। लेकिन ना उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, आपकी गोल्ड मार्केट में सिर्फ 500 का ट्रेंड चलता है, सिर्फ 500 रुपये का ट्रेंड। वो ट्रेंड क्या है वो मैं आपको जो इंशाल्लाह ना आगे जाकर एक्सप्लेन फुली करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी सोने से रेट्स जान लेते हैं। लेकिन दोबारा से बता दूँ, जिस वक्त ये वीडियो ये वॉइस आपके साथ शेयर की जाती है, इससे एक से डेढ़ घंटे के बाद आपके साथ ये शेयर होती है, उसमें सोने के रेट्स में ऊपर नीचे मार्केट हो सकती है, तो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, अगर बात करें पाकिस्तान में सोने के रेट्स की, अच्छा जी अगर सोने के रेट्स की बात करें तो पीस आपको 2,16,500 रुपए में सेलिंग है, और अगर बात करें बाइंग की 2,16,000 रुपए। पठूर गोल्ड की अगर बात की जाए, ये आपको सेलिंग में 2,14,500 रुपए और बाइंग में 2,14,000 रुपए। पेशावर में अगर सेलिंग रेट्स की बात करें 2,24,000 रुपए। बात करें कराची में सेलिंग रेट्स की 2,16,500 रुपए। लाहौर में सेलिंग रेट्स की बात करें 2,16,500 रुपए। चांदी आपकी 2,560 रुपये में सेलिंग रेट है, यानी कि चांदी के अलावा अगर आपने रात वाली वीडियो देखी है तो इस वीडियो में आपको रेट्स के बारे में तो इल्म हो चुका होगा कि सोने के रेट्स में कमी या फिर इजाफा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो रात वाली भी, यानी कि मेरी हर वीडियो एक दूसरी वीडियो के साथ लिंक होती है, तो वीडियो को लाजमी से वॉच कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। अगर आप पिछली वीडियो देखते हैं तो आपको फिर इलम हो जाता है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेंड के मतलब आपसे कहा था, देखें पाकिस्तानी मार्केटों में ना 500 रुपये का ट्रेंड है, यानी कि अगर 14,500 यानी कि यही टारगेट है, ये एक जगह पे टिकता नहीं है, 2,14 पे नहीं टिकता, 2,15 पे नहीं टिकता, यानी कि 514,500 और 15,500। अब बात की समझ आई, अगर आप मजीद इसके बारे में तफसीली जानना चाहती हैं कि इसका मतलब क्या और ये मार्केट के बारे में क्या बताता है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह 12-1 वाली वीडियो आज बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से 18, 21, 22 के रेट जान लेते हैं, क्योंकि मेरी माई और मेरी बहनें इन रेट्स का इंतजार करती हैं। अगर दोस्तों बात की जाए 18 कैरेट में पारतोला की, 1,60,400 रुपये। 21 कैरेट में पारतोला की बात करें, 1,87,100 रुपये। 22 कैरेट में पारतोला की बात करें, 1,96,000, यानी कि ये भी रेट जो है ना इनस्टेबिलिटी का शिकार बिलाखोर हो चुके हैं, जो कि हमने पिछले 2 से 3 दिनों में देखे 4,500 ये ऊपर भी था और 4,500 नीचे भी था, लेकिन अब इन क्रेट में भी बिल्कुल इनस्टेबिलिटी आ चुकी है। और आपके आने वाले दिनों में इसके हवाले से मजीद जो है ना इन्फॉर्मेशन जो प्रिडिक्ट लगाई जाती है
आने वाले दिनों में इन क्रेट में नीचे आने के इम्कान आते हैं, यानी कि सोना आने वाले दिनों में सस्ता हो सकता है। क्यों और किस रीज़न से हो सकता है इसके बारे में खसूसन रोशनी डालती हैं, लेकिन उससे पहले ना डॉलर के मतलब बता देती हैं। देखिए जनाब, कल डॉलर सिर्फ 25 पैसे माइनस में क्लोजिंग दी, बनिस्बत पहले दिन के 50 पैसे आने वाले दिन में 25 पैसे। अगर इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखें तो मुझे इस वीक में 2 या 2 रुपये 25 पैसे जो है ना इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर डिक्रीज दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं कह सकता। मैं दोबारा रिपीट करूँ, मुझे स्टेबल भी दिखाई देता है। ये इंशाल्लाह आज आपको शाम वाली वीडियो में बता देंगे। अगर आज कल इंटर बैंक जो है ना 25 पैसे की बजाय 50 पैसे पे जो क्लोजिंग देता तो फिर आपके साथ प्रिडिक्ट रात को लगा देते हैं, अभी लगा दी जाती। लेकिन अब ज़रा इंफॉर्मेशन यानी कि न्यूज़ की जानब जाते हैं। न्यूज़ में हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन यानी हमास की। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी के रोशन इम्कान, लेकिन जंग बंदी के बाद क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो इसराइल हमास के दरमियान कतर की सालसी कोशिशों ने गुजरशा चंद दिनों में काफ़ी ज़ोर पकड़ा है, और कुछ मुबशरीन के मुताबिक इन कोशिशों की मदद से इस बात का इम्कान रोशन हुआ है कि जल्द ही शायद रवां हफ्ते के दौरान आर्जी जंग बंदी मुमकिन हो सके। उम्मीद ये भी की जा रही है कि कतर की कोशिशों ने लड़ाई में वक्फा हो सकेगा, जिसके दौरान हमास इसराइली यरगमालियों जबकि इसराइल चंद फलस्तीनी कैदियों को रहा कर सकता है। यानी दोस्तों, इससे ये बात साफ साफ वाजह होती है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है ना ये नीचे इन न्यूज़ से नीचे भी नहीं आ सकती और इस न्यूज़ से ऊपर भी नहीं जा सकती, यानी कि इनस्टेबिलिटी इसमें भी बरकरार है। हालाँकि अगर कोई और इंटरनेशनल न्यूज़ इसमें शामिल करें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इन चीज़ों को मार्केट के साथ मुंसलिक करें तो इंटरनेशनल मार्केट जो है ना इन दोनों न्यूज़ से ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी कि अब जहाँ पे मार्केट खड़ी हो चुकी है। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट, देखिए मैं तो कि बहुत छोटा सा हूँ और मेरी जहाँ तक नाकस राय है, हम उन 1812-1850 तक मार्केट को देखते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन होने लगा कि जो बायर और सेलर हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में है वो अब मार्केट को नीचे लाने के बिल्कुल मूड में नहीं बैठे, यानी कि वो मार्केट को 1950 और 2000 के बीच में रखने के मूड में है, यानी कि इससे ज़्यादा मार्केट नीचे आती दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं आती ये भी मैं आपको बताता हूँ।